गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम चीवी. दिस इज बाय माइकल रोजेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो व्हाट डज दिस वर्ड मीन. अगर कोई भी पोएट किसी भी अपनी पोएम को कोई टाइटल दे रहा है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो टाइटल होता है किसी भी टेक्स्ट का या पोएम का वो हमको पूरी पोएम का एक शॉर्ट व्यू दे देता है कि व्हाट इट इज़ अबाउट. ठीक है, सो लेट अस नो. व्हेन माइकल वाज 5 years old, हिज मदर टुक हिम टू अ नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन. द टीचर आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड? माइकल डोंट, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. सो इट्स वेरी फनी. वाई? बिकॉज माइकल जो है वो एडमिशन के लिए नियर बाय स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल जो टीचर है, सॉरी, शी और ही आस्क्ड हिम कि आपकी मदर आपको घर पे क्या बोलती है, तो कहती माइकल डोंट, कि मत करो. वाई? बिकॉज वो छोटा बच्चा, उसको नहीं पता है, वो मस्ती करते होंगे तो उनकी मम्मी उनको हर बात पे कहती होंगी माइकल डोंट, माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट डू दैट. तो वो उनको लगता है कि उनका नाम ही माइकल डोंट है. सो ही सेड द सेम थिंग टू हिज द टीचर देयर. ओके, नोट, टू चेवी इज टू नैग, टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, ऑफन इन एन अनोइंग वे. चेवी का मतलब ये होता है कि किसी को कुछ भी करने के लिए अर्ज करना कंटिन्यूसली, बार बार उसको बोलना, और वो भी अनोइंग वे में बोलना. ठीक है, कि कर दो ना, प्लीज ये काम कर दो ना, मतलब उसको काम करने के लिए इतना बोलना कि वो अनॉय हो जाए, या अनॉइंगली उसको कोई काम करने के लिए बोलना. दैट्स द वर्ड मीन्स. ग्रोन अप सेज थिंग्स, स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट शेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक अप योर नोज, डोंट पिक योर नोज. तो ये होता है ना ऐसा, जब छोटा बच्चा जो होता है ना, जैसे ये 5-6 साल के बच्चे होते हैं, जो डोंट नो एनी थिंग कि क्या मतलब हमको करना है, एथिक्स क्या होते हैं, है ना, हमको बिहेवियर कैसे करना है, एटिकेट्स कैसे दिखाने हैं, दे डोंट नो एनीथिंग. वाई? बिकॉज दे आर जस्ट अ चाइल्ड, उनको पता नहीं होता. वो जैसे मतलब कई बार ऐसा नहीं होता, कहीं पे जा भी रहे होते हैं तो एक छोटा बच्चा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आपको छेड़ने लग जाएगा, कोई चीज़ आपके पास कुछ ऐसे उसको अट्रैक्टिव से दिखेगी तो आपसे कह देगा मुझको दे दो. तो इट इज़ द थिंग, क्योंकि बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, उनको पता नहीं होता है कि ना इनसे जाके, किसी अजनबी से जाके बात नहीं करनी है, कोई कुछ खाने को दे तो नहीं खाना है. और ये बच्चे अक्सर ऐसा कर लेते हैं बिकॉज उनका कहते हैं ना मन साफ होता है, तो उनको उनके अंदर कोई बात नहीं होती कि ये नहीं करना चाहिए या किसी से बात नहीं करनी चाहिए. तो ऐसे तो ग्रोनअप्स जो हैं, ग्रोनअप्स मीन्स यहाँ पे जो एडल्ट्स हैं, दे मीन एडल्ट्स, वो हमको काफ़ी सारी बातें बताते रहते हैं. स्पीक अप, बोलो, ठीक है. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, माउथ फुल मीन्स When you should not talk while you are eating food. It's a bad habit. थोड़ा सा अटपटा लगता है, कोई अगर आपके सामने खाना खाते हुए बोलते हुए खाना खा रहा है और दोनों काम कर रहा है तो बहुत ही हमें अजीब सा लगेगा ना, थोड़ा awkward सा लगेगा. Don't stare. Stare means to watch continuously. किसी को बहुत देर तक देखते रहना. डोंट पॉइंट, पॉइंट का मतलब अपन पॉइंट आउट करते हैं ना, किसी को उंगली दिखा करके, इशारा करके, अरे ये वही है, वही है करके. तो मतलब मान लो अगर कोई इंसान उस चीज़ को देख ले तो ही और शी विल नॉट, दे विल नॉट लाइक इट ना, टू पॉइंट आउट यू. तो इसलिए जो है छोटे बच्चों को ये हम बड़े सिखाते हैं कि आप मुँह भर के खाना मत खाओ, मुँह मतलब खोल के खाना मत खाओ, या तब मत बोलो जब आपके मुँह में खाना हो, आप किसी को घूरो मत, आप किसी को इशारा करके पॉइंट मत करो, ठीक है. डोंट पिक योर नोज, पिक योर नोज मतलब डालते हैं ना नाक में उंगली, या छी, हाँ वही, नाक में उंगली डाल के वो निकाल लेते हैं ना. फिर नोबिता को आपने देखा होगा करते हुए, डोरेमोन में आता है, तो वो एक बार पता नहीं मैं देख रही थी उसमें सीन में, वो ऐसे कहा था, ही वॉज पिकिंग अप हिज नोज एंड थ्रोइंग एट द वॉल, छी गंदा, यक. सिट अप, बैठो. से प्लीज, प्लीज बोलो. लेस नॉइज, शोर कम करो. शट अदर डोर बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो डोर है उसको बंद कर दो. डोंट ड्रैग योर फीट, जैसे अपन पैर घसीट के नहीं चलते हैं तो उसमें कैसे अजीब सी आवाज़ आती है, तो पैर उठा के चलो ताकि आवाज़ नहीं हो, नॉइज़ नहीं हो, है ना. हैवंट यू गॉट अ हैंकी,
क्या आपके पास हैंकरचिफ नहीं है, आपकी नाक बह रही है या कुछ भी है, सो प्लीज टेक अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था सीरियसली वंस व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, तो हमारी आई एम अ गर्ल सो आई यूज टू वेयर स्कर्ट्स इन द स्कूल, तो उसमें पॉकेट होती थी, तो ऐसे ही होता है ना, आई वॉज स्मॉल एंड आई वॉज यू नो पुटिंग माई हैंड्स इन द पॉकेट एंड आई वॉज वॉकिंग इन द वरांडा कॉरिडोर, सॉरी नॉट वरांडा कॉरिडोर इन द स्कूल, सो अ टीचर क्रॉस बाय मी एंड शी स्टॉप्ड मी एंड शी आस्क्ड मी टू पुट आउट माई हैंड्स फ्रॉम माई पॉकेट एंड आई सेड सॉरी मैम इट वॉन्ट हैपन अगेन। तो अभी भी मुझे वो याद है जब उन्होंने मुझे करेक्ट किया था। तो ये जो गुड हैबिट्स ना, तो थोड़ा बहुत आपको बड़े जो है वो बार बार बोलेंगे ताकि आप ये गुड हैबिट्स को डेवलप कर सको लाइफ में। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को भी थोड़ी अच्छी इसमें सीख मिली होगी, थोड़ी आपको एटिकेट्स जो हैं वो देखने को मिले होंगे, क्योंकि स्पेशली ग्रोन अप्स इसलिए हमको सिखाते हैं ताकि जब कोई दूसरा हमें देखे तो कहे कि अरे उनका बच्चा तो बहुत अच्छा है, ही इज और शी इज़ वेरी गुड मैनर्ड एंड दे हैव वेरी गुड एटिकेट्स। घर पे जाते हैं तो वो हमें ग्रीट करते हैं, कोई आता है तो उनको हम वाटर ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और होती है, दिस इज़ वेरी फनी बिकॉज इट विल हैपन टू ऑल ऑफ अस, इट वुड हैव हैपन बिकॉज जब कोई आता है मेहमान घर पे, कोई गेस्ट आते हैं, तो हमारी मदर उनके सामने कुछ खाने को रखती है, तो सबसे पहला एटिकेट होता है कि आप वहाँ से नहीं खाओगे, यू हैव टू वेट टिल दे आर गॉन, फिर आप भले टूट पड़ो प्लेट्स पे लेकिन तब तक आप नहीं खा सकते ना, थोड़ा सा दिखाना होता है हमको। तो ये तो ही मजाक की बात, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा थोड़ा सा पोएम का पार्ट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर हियरिंग मी एंड हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।